खबर। कानपुर से बड़ी खबर, विकास दुबे की अरबों की रकम जमीनों में खपाई गई। दर्जनों फ्लैट और बिल्डिंग के साथ बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी। अस्पतालों में खपाई गई अवैध वसूली की रकम। तो आप देखिए, अस्पतालों में अवैध वसूली की रकम को खपा दिया गया। पुलिस ने आयकर विभाग को पत्र नहीं लिखा। कितना सिस्टम हमारा खोखला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस ने आयकर विभाग को पत्र भी नहीं लिखा। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के कई बड़े चेहरे इसमें सामने भी आ सकते हैं। आयकर और ईडी को जांच में बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खजांची खेल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का खेल। विकास दुबे की अरबों की रकम जमीनों में खपा दी गई है। दर्जनों फ्लैट और बिल्डिंग के साथ बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पतालों में खपाई गई अवैध वसूली की रकम। तो किस तरीके से यहां पर विकास दुबे का सहयोग किया जा रहा था, जो विकास दुबे की काली कमाई थो उसको किस तरीके से यहां पर अस्पतालों में बिल्डिंगों में खपाया जा रहा था, इसका अनुमान लगा सकते हैं। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग में कई बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं। आयकर और ईडी की जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। खजांची खेल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का खेल। विकास दुबे की अरबों की रकम जमीनों में खपा दी गई है। दर्जनों फ्लैट और बिल्डिंग के साथ बेनामी संपत्ति खरीदी गई है। अस्पतालों में खपाई गई अवैध वसूली की रकम। पुलिस ने आयकर विभाग को पत्र नहीं लिखा। देखिए आप, यहां पर पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने आयकर विभाग को कोई पत्र नहीं लिखा। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग में कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं, जिसकी जांच होगी। आयकर और ईडी की जांच में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। खजांची खेल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का खेल। तो जो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आप देखिए किस तरीके से विकास दुबे की जो काली कमाई थी उसको किस तरीके से यहाँ पर खपाया जा रहा था। लगातार नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये विकास दुबे ने अपना पूरा ये लोगों से वसूली करता था, अवैध तरीके से वसूली कर करके जो सारे रुपयों को वो जय वाजपेयी को देता था, और जय वाजपेयी चूंकि ब्याज का कारोबार करता था, क्योंकि ये जिस तरीके से पिछले दस साल पहले प्रिंटिंग प्रेस में महज 8,000 रुपए, चार से आठ हजार रुपए नौकरी करता था, और उसके बाद जब से वो विकास दुबे के संपर्क में आया तो सीधा सीधा उसने देखते देखते अरबों रुपए की एक के बाद एक तमाम प्रॉपर्टियां और शहर के तमाम रिहायशी इलाकों में दर्जनों की तादाद में फ्लैट खरीद लिए। उसके लेकर के तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि आखिर इसने क्या काम शुरू किया, लेकिन जब एसटीएफ ने उसको उठाया है और उसके जब संबंधों की पड़ताल शुरू की, तब खुल करके सामने आया कि जय वाजपेयी की सारा रुपया जो भी विकास दुबे अपनी अवैध काली कमाई करता था, वसूली की रकम जो भी होती थी, सारा जय वाजपेयी के पास रुपया रखता था, और वो इस रुपए को अब सभी जगह पर ले जा करके उसको अलग अलग जगहों पर निवेश करता था। इसमें कई जो निवेश उसके सामने आए हैं, वो कानपुर में करीब 3 से 4 अस्पताल भी उसने बनवाए थे, जमीन खरीद करके उसके बाद अस्पताल खड़े कर दिए उसने, और इसके कई गेस्ट हाउस में भी उसका रुपया लगाने की बात सामने आई है, कुछ एक होटल में भी उसका रुपया होने की बात सामने आई। इसके साथ साथ जो जय वाजपेयी ने कानपुर में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टियां खरीदी थी, जिनमें कई सारे फ्लैट हैं, जिसमें अभी तक 27 करोड़ रुपए की संपत्ति का लगभग खुलासा हुआ है। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से अस्पताल और उसके बाद होटल और गेस्ट हाउस ये सब मामले सामने आ रहे हैं, तो इससे मानकर चला जा रहा है कि इसकी जो संपत्तियां हैं वो अरबों की तादाद में पहुंच चुकी है, उनकी संख्या, जिसके चलते अब चूंकि अब तक पुलिस को चाहिए था कि वो आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को उसकी जानकारी देते, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पुलिस की जो जो रवैया है वो कहीं ना कहीं एक लापरवाही जैसा नजर आ रहा है, कि अभी भी पुलिस को कुछ ना कुछ उनके जो विकास दुबे है और जो जय वाजपेयी है उसको लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसके चलते अभी तक आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को कोई भी जानकारी नहीं दी गई और ना ही उनको कोई पत्र लिखा गया। ऐसे में अगर प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अगर वो आकर के फिर एक जो उसकी वहाँ की आयकर विभाग की एक जो विंग होती है
वो अगर सारी विंग आकर के और प्रवर्तन निदेशालय अगर इसमें बारीकी से जांच करेगा तो जाहिर सी बात है पूरे कानपुर नहीं पूरे प्रदेश और देश भर में इनकी जो फैली हुई संपत्तियां, इसके अलावा जो विदेशों में करोड़ों रुपए का जो फ्लैट खरीदे गए हैं, दुबई में भी फ्लैट खरीदने की बात सामने आ रही है, वो सारी चीजें खुल करके सामने आ जाएंगी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि अब तक पुलिस को कोई ना कोई पत्र किसी न किसी अधिकारी को, ईडी प्रवर्तन निदेशालय को और आयकर विभाग को इसकी लिखित में सूचना देनी चाहिए थी और उनसे कहन उनसे मांग करनी चाहिए थी कि विभाग आकर के इसकी जांच कर दें, ताकि पूरे के पूरे मामले का जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो खेल चल रहा था विकास दुबे के साथ ये जय वाजपेयी मिल करके जो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल कर रहा था वो इसका एक बड़ा खुलासा हो जाएगा। इसलिए अब ज्यादातर जो शहर के भी जो बड़े लोग हैं उनके भी वो भी दबिजवान यही कहना शुरू कर दिए हैं कि आखिर अभी तक ईडी और आयकर विभाग को अभी तक आखिर पुलिस ने कोई पत्र क्यों नहीं लिखा है, उसको उनको पत्र लिखना चाहिए। अगर पुलिस पत्र लिखती तो जाहिर सी बात है कई बड़े नेताओं के भी नाम और कई बड़े सफेदपोश हैं जो इस पूरी मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में जय वाजपेयी के साथ शामिल थे, उनका भी खुलासा हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि शासन स्तर पर बैठे कई अधिकारी भी हैं जो लगातार उसके संपर्क में थे और लगातार उसके मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में कई आईएएस अधिकारी को भी नाम सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक का शायद उनके खिलाफ अभी तक कोई पत्र नहीं लिखा गया, लेकिन अगर ईडी और आयकर विभाग इस मामले की बारीकी जांच करेगा तो प्रदेश स्तर पर बहुत बड़े बड़े चेहरे सामने आ जाएंगे, उनके विकास दुबे से संबंध जो है वो भी खुल करके सामने आ जाएंगे। जी सुनील जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। अरबों का खेल आप देखिए खेला गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लग पाई। कितनी जगह अस्पतालों में जो काली कमाई थी उसको खपा दिया गया, कितने सारे फ्लैट्स बिल्डिंग खरीद ली जाती हैं, प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भी नहीं लिखा गया और पुलिस ने भी इसकी सूचना नहीं दी। आप देखिए कितना खोखला सिस्टम है हमारा, कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर की गई थी। बिल्कुल लापरवाही दर लापरवाही, अगर शुरुआत से ही कहीं ना कहीं जो शहर के तमाम अधिकारी, शहर के इतने तमाम सारे कानपुर में 10 विधायक, दो सांसद और इसके अलावा तमाम ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, इसके अलावा तमाम सारे इतने बड़े आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी सब कानपुर में तैनात रहे, लेकिन विकास दुबे 150 मुकदमे लेकर के खुलेआम अधिकारियों के पास बैठ करके रंगबाजी से वो सबके साथ गलबैया करता रहा। इसके साथ साथ जो उसका खजानची जय वाजपेयी वो लगातार सबके साथ बैठ करके फोटो खिंचाता रहा, उनको पार्टियों में आमंत्रित करता रहा और मोटे काफी महंगे महंगे उनको गिफ्ट देता रहा। इन तमाम सारे गिफ्ट लेने के बीच में भी किसी अधिकारी ने, फोटो खिंचवाने वाले अधिकारियों ने, कोई किसी ने ये कयास बिल्कुल नहीं लगाया कि आखिर क्या कारण है कि इतने मोटे जो हमने उसके लिए कुछ किया नहीं तो आखिर वो क्यों इतने मोटे मोटे जो महंगे महंगे एक एक लाख दो दो लाख रुपए के गिफ्ट उनको ला करके दे रहा, उनको देता था, अधिकारियों को देता था, उनकी पत्नियों को बर्थडे पर उनको गिफ्ट किए जाते थे, उनके बच्चों के बर्थडे पर गिफ्ट किए जाते थे, तो एक एक हर गिफ्ट में कोई भी गिफ्ट 1 लाख रुपए से कम नहीं होता था। एक शहर के एक बड़े कारोबारी हैं जो बड़ी महंगी महंगी घड़ियों के, उनका बड़ा बड़ा जो उनका कारोबार है, उनको उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये लगातार उनसे आकर के महंगी महंगी घड़ियां और महंगे महंगे गिफ्ट, बच्चों के महंगे महंगे ज्वेलरी वगैरह सब खरीदा करता था। तो उनका कहना था कि आखिर हम लोग भी सोचा करते थे इसका कारोबार क्या है, आखिर इसके पास इतना रुपया कहाँ से आएगा, लेकिन चूंकि सुनील जी बिल्कुल हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द